वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। सऊदी अरब, यूएई और चीन ने माजी की तरह पाकिस्तान का साथ दिया है। हुकूमत और इदारों ने माशी चैलेंजेस को कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर से मुलाकात। जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ की। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। लिबनान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सहूनी जारियत जंग फैलाने की साजिश है, फौरी जंग बंदी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी कर दें। सऊदी अरब, यूएई और चीन ने माजी की तरह पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मौशी चैलेंजेस को कबूल किया। मौशी इशारियों में बेहतरी आ रही है। बोर्ड की मीटिंग है आईएमएफ की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी है। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अदा करना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का कि उनके भरपूर तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर ने मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में तैयब उर्दवान की तकरीर की तारीफ। वज़ीर आज़म का कहना था कि तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फिलिस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे तो दिलों को बहुत छुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा लबनान पर इसराइली जारियत तबाहकुन होगी, सहूनी जारियत जंग फैलाने की साजिश है, फौरी जंग बंदी की जाए। फलस्तीनी रियासत के कयाम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अटैक लॉन्च्ड इन बेरूत इज नथिंग बट अ प्लॉय टू एक्सपैंड दिस वॉर थिएटर व्हिच विल बी कैटास्ट्रोफिक for this peace loving world, and I think we must all condemn this act on the part of Israelis with full force. वज़ीर आज़म ने इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया।